हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हम शुरू कर रहे हैं 7th यूनिट अपनी स्टीम जनरेटर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने स्टीम के यूज के बारे में कि जो हमारे स्टीम जनरेटर होते हैं जिनसे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में, क्लासिफिकेशन करेंगे बॉयलर्स के बारे में, बॉयलर्स के ऊपर जो माउंटिंग्स होती हैं, जो एक्सेसरीज होती हैं उनके साथ जो हम अटैचमेंट्स करते हैं बॉयलर की, उन सब के बारे में बात करेंगे हम स्टीम जनरेटर चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्टीम जनरेटर के बारे में कि स्टीम जनरेटर या फिर आप बोल सकते हो स्टीम बॉयलर क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक बनेगा स्टीम जनरेटर्स, टॉपिक है हमारा स्टीम जनरेटर्स। स्टीम जनरेटर्स बोल सकते हो या फिर इसको आप बोल सकते हो बॉयलर, क्या बोल सकते हो बॉयलर, कि स्टीम जनरेटर क्या होता है या फिर बोल सकते हो बॉयलर क्या होता है। तो स्टीम जनरेटर वास्तव में होता क्या है, इट इज ए क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ स्टीम। स्टीम जनरेटर या फिर अगर हम बात करें स्टीम बॉयलर, ये क्या है, ये एक क्लोज्ड वेसल है जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। इट इज ए क्लोज्ड वेसल व्हिच इज मेड बाय स्टील, या मेड ऑफ स्टील। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल टू वाटर। इसका मेन मकसद क्या है, इसका जो फंक्शन की अगर बात करें कि स्टीम बॉयलर का हम यूज किस लिए करते हैं, तो स्टीम बॉयलर का हम यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। जो हीट प्रोड्यूस होती है हमारे कंबशन ऑफ फ्यूल से, जो हमारा फ्यूल होता है चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, उस फ्यूल से जो हमें हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को वाटर तक पहुंचाने के लिए, कि हीट प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल टू वाटर। हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल टू वाटर, कि जो भी हमारी हीट है उसको हमने वाटर तक पहुंचाना है, उसको हम आयन और उसकी सहायता से हम जनरेट करते हैं स्टीम, तो उसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर, जाके बोल सकते हो स्टीम बॉयलर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए क्लोज्ड वेसल, इट इज ए क्लोज्ड वेसल। वेसल यानी कि एक डिब्बा टाइप वेसल है, जैसे हम बोल सकते हो कि इट इज ए क्लोज्ड वेसल ऑफ स्टील, कि स्टील का एक क्लोज्ड वेसल है। इट इज ए वेसल ऑफ स्टील, इट्स फंक्शन इज टू, इट इज यूज्ड, लिख सकते हो इट इज यूज्ड टू हीट प्रोड्यूस, इट इज यूज्ड टू हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, by combustion of fuel to water, by combustion of fuel to water and generate steam, and to generate steam और क्या करता है, steam को generate करता है and generate steam। तो एक बार फिर से देखो कि हमने क्या किया, स्टीम बॉयलर के बारे में बात करें या फिर स्टीम जनरेटर के बारे में कि क्या होता है। इट इज ए बॉयलर, ये क्या है, एक क्लोज्ड वेसल है, यानी कि हमारे पास क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉयलर क्या है, स्टीम बॉयलर क्या है, तो ये एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसका हम यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए बाय किसकी सहायता से, कंबशन ऑफ फ्यूल्स टू वाटर, कंबशन ऑफ फ्यूल्स टू वाटर तक, और जिसकी वजह से जनरेट होती है स्टीम। जब हम हमारे पास वाटर है, वाटर को जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीटेड करेंगे, तो वो किसके रूप में बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगी स्टीम के अंदर। तो यही है स्टीम बॉयलर या जनरेटर, कि स्टीम बॉयलर या जनरेटर का मेनली काम क्या है, स्टीम को जनरेट करना, स्टीम को प्रोड्यूस करना, स्टीम को पैदा करना। कैसे पैदा करेंगे, कि ये एक क्लोज्ड वेसल होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कंबशन फ्यूल से। कंबशन फ्यूल की अगर बात करें तो कंबशन फ्यूल में जैसे हमारे सॉलिड फ्यूल्स हो गए, लिक्विड फ्यूल है, गैसेस फ्यूल है, उनका हम यूज करेंगे वाटर को हीटेड करेंगे। हीटेड करने से जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर, इस तरह से हम फॉर्मेशन कर देंगे स्टीम की। तो ये हमने बात की स्टीम बॉयलर के बारे में या स्टीम जनरेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, या फिर बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर, कि कितने प्रकार के बॉयलर होते हैं।
हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉयल भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयल टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर कि बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर ठीक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर तो हमारे पास बॉयलर होते हैं काफी तरह के अकॉर्डिंग टू जैसे अगर हम कंटेंट की बात करें कि हमारी जो बॉयलर के अंदर ट्यूब्स हैं ट्यूब के अंदर अगर कंटेंट के रिलेटेड बात करें तो हमारे बॉयलर होते हैं दो प्रकार के फायर ट्यूब बॉयलर होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर होता है तो इसी प्रकार अकॉर्डिंग के बाद बात करेंगे जैसे कि अगर फर्नेस की पोजीशन है तो उस हिसाब से हमारे बॉयलर कैसे होते हैं जो शेल की एक्सिस है उसके हिसाब से हमारे बॉयलर कितने प्रकार के होंगे नंबर ऑफ ट्यूब्स हमने बॉयलर के अंदर कितनी यूज की है तो इनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के अंदर अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन द ट्यूब कि जो हमारी ट्यूब्स हैं बॉयलर के अंदर उनके अंदर हमने कंटेंट क्या फिल किया हुआ है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स इन द ट्यूब कंटेंट्स इन द ट्यूब ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से हमारे बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं तो बॉयलर हमारे पास होते हैं दो प्रकार के एक है फर्स्ट वन है फायर ट्यूब बॉयलर पहला हमारे पास होगा फायर ट्यूब बॉयलर दूसरा हमारे पास जो आएगा वो है वाटर ट्यूब बॉयलर तो दो प्रकार के हमारे बॉयलर होते हैं अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन द ट्यूब ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है कंटेंट के हिसाब से हमारे बॉयलर होते हैं दो प्रकार के ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक है फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब इनके बारे में हम कंपैरिजन भी करेंगे कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में तो अकॉर्डिंग टू अगर कंटेंट की बात करें हमारी जो बॉयलर्स के अंदर ट्यूब है ट्यूब के अंदर कंटेंट की बात करें तो दो प्रकार का फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ द फर्नेस अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ बॉयलर कि जो हमारी पोजीशन ऑफ फर्नेस जो हमारी फर्नेस यानी कि भट्टी जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं बॉयलर्स FURNACE ठीक है FURNACE तो फर्नेस के हिसाब से भी बॉयलर हमारे पास होते हैं दो प्रकार के एक होते हैं एक्सटर्नली फायर्ड और दूसरा होता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर एक्सटर्नली फायर बॉयलर मतलब जिनके अंदर जो हम फायर वगैरह यूज करेंगे फायर करेंगे कंबशन करेंगे वो अगर बाहर हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे फर्नेस के बाहर हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नली फायर्ड और जिसके अंदर होगा वो हमारा हो जाएगा इंटरनली फायर्ड बॉयलर तो दो प्रकार का होगा बॉयलर फर्नेस के हिसाब से पोजिशन के हिसाब से फर्स्ट वन कौन सा है एक्सटर्नली फायर फर्स्ट है एक्सटर्नली फायर दूसरा हमारे पास क्या आएगा दूसरा है इंटरनली फायर दो प्रकार के बॉयलर होंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ फर्नेस के हिसाब से ठीक है अभी तक हमने दो के बारे में बात की है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन द ट्यूब ट्यूब के हिसाब से अगर ट्यूब के अंदर कंटेंट की बात करें तो दो प्रकार का होगा फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर जब हम बात करेंगे फर्नेस की पोजीशन के बारे में तो उस पे हमारे पास दो प्रकार के बॉयलर होंगे वो भी एक होगा एक्सटर्नली फायर दूसरा होगा इंटरनली फायर वाटर फायर ट्यूब बॉयलर सिंपल है इनके अंदर फायर होगी ट्यूब के अंदर वाटर होगी यहाँ पे एक्सटर्नली फायर यानी कि बाहर होगा जो भी कंबशन होगा इंटरनली फायर के अंदर जो भी इंटरनली फायर बॉयलर होंगे उनके अंदर जो भी फायर होगा कंबशन होगा वो क्या होगा अंदर होगा अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड के बारे में थर्ड है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शेल शेल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शेल, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शेल। तो शेल के हिसाब से भी हमारे पास जो बॉयलर है वो होंगे तीन प्रकार के। सबसे पहला जो बॉयलर आएगा वर्टिकल बॉयलर, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल बॉयलर और थर्ड है इंक्लाइन बॉयलर। ठीक है, तो तीन प्रकार के बॉयलर होंगे। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। सेकंड वर्टिकल और थर्ड हमारे पास हो जाएगा इंक्लाइन बॉयलर। ठीक है, इंक्लाइन बॉयलर। तो तीन प्रकार के हमारे पास बॉयलर होंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बॉयलर, दूसरा वर्टिकल और तीसरा इंक्लाइन बॉयलर अकॉर्डिंग टू द एक्सिस शेल। तो तीन प्रकार के हमारे बॉयलर होंगे एक्सिस शेल के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइन बॉयलर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, ये तो हमारा पॉइंट कौन सा था? थर्ड पॉइंट, ये हमारा था थर्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स। जो हमने ट्यूब्स यूज की है बॉयलर के अंदर, उसके हिसाब से भी जो हमारे बॉयलर होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सिंगल ट्यूब बॉयलर, दूसरे को बोलते हैं मल्टी ट्यूब बॉयलर। तो फर्स्ट कौन सा होगा? सिंगल ट्यूब बॉयलर। सेकंड हमारे पास होगा मल्टी ट्यूब बॉयलर। तो दो प्रकार के हमारे बॉयलर होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्यूब्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स। अब जिसके अंदर सिंगल ट्यूब्स का यूज किया है वो सिंगल ट्यूब बॉयलर, जिसके अंदर काफी तरह की काफी मात्रा में हमने दो से ज्यादा, तीन चार दो पांच जितनी भी हो सकती है ट्यूब्स का यूज किया है, उसको हम बोल देंगे मल्टी ट्यूब बॉयलर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज के हिसाब से। ठीक है, फिफ्थ हमारा है अकॉर्डिंग टू यूज। यूज के हिसाब से भी बॉयलर हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्टेशनरी बॉयलर, दूसरा मोबाइल बॉयलर या फिर पोर्टेबल बॉयलर बोल सकते हो। स्टेशनरी बॉयलर जो है वो यानी कि एक ही स्थान पे जहां पे हमने उसको इंस्टॉल किया है, जहां पे हमने उसको सेट किया है वहीं पे रहे, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी बॉयलर। दूसरा बॉयलर जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सके, उसको हम बोलते हैं मोबाइल बॉयलर। ठीक है, तो दो प्रकार के बॉयलर होंगे। सबसे पहला जो बॉयलर होगा वो कौन सा होगा? स्टेशनरी बॉयलर। वो हमारे लिए कौन सा होगा? स्टेशनरी, वो हमारा होगा स्टेशनरी बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर। और सेकंड वन होगा हमारा मोबाइल बॉयलर, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? मोबाइल बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर और मोबाइल बॉयलर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम के बारे में, तो वो भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन भी होती है और फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन वाटर की, जहां पे आसानी से अपने आप नेचुरली वाटर की सर्कुलेशन होती जाए बॉयलर्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं नेचुरल सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमें वाटर को सर्कुलेट करवाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़े उसको हम बोल देते हैं फोर्स सर्कुलेशन। तो वो हमारे लिए कौन सा हो जाता है? फोर्स्ड सर्कुलेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ऑफ, अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन, अकॉर्डिंग टू सिंपल बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के हिसाब से भी हमारे बॉयलर होते हैं दो प्रकार के। एक होता है नेचुरल, जिसके अंदर नेचुरल सर्कुलेशन हो, नेचुरल, और सेकंड होता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमें किसी प्रकार की फोर्स की जरूरत पड़े। तो ये हमारे क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ, ये हमारी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो एक बार फिर से देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के अंदर हमने क्या बात की कि हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर होती है वो हमने सिक्स प्रकार की एक बार बात की है। सबसे पहले अगर हमने बात की तो वो है अकॉर्डिंग टू द, जो हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर कंटेंट क्या है उसके हिसाब से बॉयलर की बात करें तो बॉयलर होते हैं दो प्रकार के, एक है वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा हमारा होगा फायर ट्यूब बॉयलर। जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फर्नेस, फर्नेस की पोजीशन के हिसाब से, तो उसमें भी बॉयलर हमारे होंगे दो प्रकार के, एक एक्सटर्नली फायर बॉयलर, दूसरा होगा इंटरनली फायर। फिर हमने बात की थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शेल, शेल के हिसाब से हमारे बॉयलर होते हैं तीन प्रकार के, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइंड बॉयलर।
फिर हमने बात की नेक्स्ट क्वार्ट्स यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्यूब्स कि हमने बॉयलर के अंदर क्यूब्स कितने यूज किए हैं उसके हिसाब से तो बॉयलर होते हैं दो प्रकार के, एक है सिंगल ट्यूब बॉयलर, दूसरा हमारा होगा मल्टी ट्यूब बॉयलर, सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब बॉयलर। सिंगल ट्यूब यानी कि जिसके अंदर हमने सिंपल एक सिंगल ट्यूब का यूज किया तो वो हमारा सिंगल ट्यूब बॉयलर होगा, जिसके अंदर हमने मल्टीपल ट्यूब्स का यूज किया तो वो हमारे लिए बन जाएगा मल्टीपल, ठीक है, मल्टी ट्यूब बॉयलर भी बोल सकते हो, मल्टीपल बॉयलर। फिर हमने बात की अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ यूज यानी कि अकॉर्डिंग टू द यूज, यूज के हिसाब से भी हमारे बॉयलर होते हैं दो प्रकार के, एक है स्टेशनरी बॉयलर यानी कि जिसको हमने जहां पे सेटअप कर दिया वहीं पे हमने उसका काम करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जा सकते, स्थिर है, उस बॉयलर को बोल देंगे स्टेशनरी बॉयलर। मोबाइल बॉयलर यानी कि जिस बॉयलर को हम पोर्ट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं वो बॉयलर हमारे कहलाते हैं मोबाइल बॉयलर। लास्ट हमने बात की अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन, जहां पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो वाटर सर्कुलेशन के हिसाब से भी हमारे बॉयलर होते हैं दो प्रकार के, एक है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरी हमारी आएगी फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, नॉर्मली जो सर्कुलेशन हो रही है नॉर्मली किसी भी प्रकार के हम फोर्स का यूज नहीं कर रहे, लेकिन जब हम किसी फोर्स का यूज करेंगे वाटर को सर्कुलेट करवाने के लिए तो उसको बोलेंगे, वो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन के हिसाब से यानी कि फोर्स्ड बॉयलर, वो हमारा कौन सा कहलाएगा फोर्स्ड बॉयलर। अब हम बात करते हैं, आपको बताया था सबसे पहले कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब हमारे क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट बॉयलर है। अब हम करेंगे इनकी कंपैरिजन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में डिफरेंस क्या है और इनका हम यूज क्या करते हैं, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, कॉस्ट किसका ज्यादा है, हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, किनके बारे में डिफरेंस के बारे में, किसके बीच में फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में, ठीक है शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है डिफरेंस बिटवीन, या फिर बोल सकते हो कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर, कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर के बीच में डिफरेंस हमने क्या करना है, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब के बीच में बॉयलर, तो इस तरफ हम कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा वाटर ट्यूब बॉयलर, इस तरफ क्या आ जाएगा वाटर ट्यूब बॉयलर, इस तरफ हम कर लेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, तो ये हमारा आ जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। तो सबसे पहले हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, वाटर सर्कुलेट इनसाइड द ट्यूब विच आर सराउंडेड बाय हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस। सिंपल कि जब हम बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो भी वाटर सर्कुलेट करेगा वो करेगा इनसाइड द ट्यूब, क्या करेंगे वाटर सर्कुलेट, जो वाटर क्या कर रहा है सर्कुलेट कर रहा है वो कहां पे करेगा, वाटर सर्कुलेट्स इनसाइड द ट्यूब्स, इनसाइड द ट्यूब्स। लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब के अंदर, तो इसके अंदर हॉट गैसेस जो होंगी वो सर्कुलेट करेंगी ट्यूब के अंदर, ठीक है, हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस पास थ्रू द ट्यूब्स, क्या होगी हॉट गैसेस, जो हमारे पास हॉट गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स, ट्यूब्स के अंदर क्या करेंगी पास करेंगी। तो फर्स्ट डिफरेंस और फर्स्ट कंपैरिजन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या होगा कि जब हम बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जो भी वाटर है वो सर्कुलेट करेगा ट्यूब्स के अंदर, बॉयलर के अंदर ट्यूब्स होगी, ट्यूब्स के अंदर वाटर सर्कुलेट करेगा वाटर बॉयलर के अंदर, लेकिन फायर ट्यूब के अंदर क्या होगा, ट्यूब्स के अंदर क्या सर्कुलेट करेगा, ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट करेगा हॉट गैसेस, हॉट गैसेस क्या करेंगी सर्कुलेट करेंगी। सेकेंड पॉइंट, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज हाई, जो कि
वाटर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब के अंदर जो स्टीम जनरेट होती है उसकी दर, जो रेट है स्टीम जनरेट होने का, वो वाटर ट्यूब के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर, तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेशन क्या होगी, जो स्टीम जनरेशन का रेट है, जो स्टीम जनरेट होने की दर है, वो क्या होगी, कम होगी। वो जनरेट होने की दर क्या रहेगी, कम रहेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो वाटर ट्यूब के अंदर वो होगी 450 टन पर आवर, लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब की तो वहां पे जस्ट रह जाएगी 9 टन पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट होती है उसका रेट ज्यादा होता है। हम क्या लिखें, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज हाई, स्टीम जनरेशन हाई होता है, कितना होता है, 450 टन पर आवर। लेकिन जब हम बात करते हैं 400 टन पर आवर होता है जब हम बात करते हैं वाटर ट्यूब की, लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब के अंदर, इसके अंदर जो स्टीम जनरेशन है वो क्या होगा, लो, स्टीम जनरेशन इज लो, कितनी होती है, 9 टन पर आवर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट होती है वो होती है ज्यादा, वो होती है 450 टन पर आवर, एक घंटे में 450 टन। लेकिन जब हम बात करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर की, तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जस्ट होती है 9 टन पर आवर। थर्ड पॉइंट भी बात करें तो इट जनरेट स्टीम एट हाई प्रेशर। जब भी हम वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बात करें तो वाटर बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट हो रही है वो हाई प्रेशर पे जनरेट होगी, लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब के अंदर इट कैन जनरेट स्टीम अप टू 24.5 bar। इसके अंदर क्या होगी, स्टीम जनरेट की जो दर है वो कम होगी, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हाई प्रेशर पे जो स्टीम जनरेट होती है इसमें हाई प्रेशर पे जनरेट होती है, हाई प्रेशर, प्रेशर कितना होता है, 165 bar प्रेशर होता है, 165 बार जब हम हीट को जनरेट करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर। लेकिन यही जब हम हीट जनरेट करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर तो वो प्रेशर हमारा रह जाता है 24.5 bar के आसपास, 24.5 bar के आसपास क्या रह जाता है, हमारा प्रेशर रह जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है, इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो होती है 90%, लेकिन इसकी एफिशिएंसी होती है 70% स्टीम जनरेट करने की। ठीक है, एफिशिएंसी की बात। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इसको हम आसानी से, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना, फायर ट्यूब बॉयलर को ट्रांसपोर्टेशन करनी, इसकी मुश्किल होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वाटर ट्यूब का थोड़ा सा ज्यादा होता है, फायर ट्यूब का वाटर ट्यूब की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। इसी प्रकार ठीक है, ब्रस्टिंग चांस, इसके अंदर ब्रस्टिंग चांस ज्यादा होते हैं, यानी कि ब्लास्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन फायर ट्यूब के अंदर ब्रस्टिंग के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं एक्सटर्नली फायर बॉयलर के लिए, इनको हम यूज करते हैं इंटरनली फायर बॉयलर के लिए। तो एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, ये तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिए हैं, तो इसकी काफी सारे पॉइंट है, फिर से एक बार सुन लो। हमने बात की, हमने करना है कंपैरिजन, किनके बीच में कंपैरिजन, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर। तो कंपैरिजन में वाटर ट्यूब के अंदर सबसे पहले क्या है कि वाटर ट्यूब के अंदर जो हमारी ट्यूब्स है बॉयलर की, उनके अंदर वाटर सर्कुलेट करेगा, लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब की तो फायर ट्यूब के अंदर जो भी हमारा बॉयलर होगा, बॉयलर के अंदर हॉट गैसेस ट्रेवल करेंगे। इसके अंदर पानी होगा, वाटर सर्कुलेट करेगा, यहाँ पे हॉट गैसेस सर्कुलेट करेंगी, यानी कि क्या करेंगी, पास करेंगी ट्यूब्स के अंदर। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात किया कि जो स्टीम जनरेशन की दर है, स्टीम जनरेट करने की जो दर है वो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर ज्यादा होती है, फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट करने की दर कम होती है। वाटर ट्यूब में 450 टन पर आवर होती है जबकि फायर में 9 टन पर आवर होती है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हाई प्रेशर हम यूज करते हैं वो हम ज्यादा प्रेशर यूज करते हैं वाटर ट्यूब के बॉयलर के अंदर, वो होता है 165 bar, यानी कि 165 bar के आसपास। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हम प्रेशर यूज करेंगे वो यूज करेंगे 24.5 bar ओनली, अप टू 24.5 bar। उसके बाद अगर एफिशिएंसी की बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी कि 90% होगी,
90% 90% होगी, लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर की तो 70% होगी, 70% होगी एफिशिएंसी हमारी फायर ट्यूब बॉयलर की। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके नहीं जा सकते, तो ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो जो कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, वो वाटर ट्यूब बॉयलर का थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर की तो फायर ट्यूब बॉयलर का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ब्रस्टिंग चार्ज यानी कि ब्लास्ट होने के भी चार्ज वाटर ट्यूब बॉयलर के थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर के ब्लास्ट होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्किल की जरूरत होगी, लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर को आसानी के साथ कोई भी चला सकता है। इसके अंदर हम एक्सटर्नली फायर बॉयलर का यूज करते हैं, इनके अंदर हम इंटरनली फायर बॉयलर का यूज करते हैं। तो ये हमारा था कंपेरिजन बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, कंपेरिजन बोल सकते हो, डिफरेंस भी बोल सकते हो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब के बॉयलर के अंदर। नॉर्मली यही होगा कि वाटर सर्कुलेट होगा कि उसके अंदर हॉट गैसे सर्कुलेट करेगी, स्टीम जनरेट ज्यादा होगी, स्टीम जनरेट कम होगी, 450 टन होगी एक घंटे में, यहाँ पे 9 टन होगी जस्ट एक घंटे में। जो हाई प्रेशर पे होगा यहाँ पे हम स्टीम जनरेट करेंगे 165 बार पे, इस पे अप टू 24.5 बार यानी 24.5 बार तक हम अप्लाई करते हैं प्रेशर। एफिशिएंसी वाटर ट्यूब की 90% होती है, इसकी 70% होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, जो खर्चा होता है ऑपरेट करने का वाटर ट्यूब का, ज्यादा होता है, फायर ट्यूब का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है। वाटर ट्यूब के अंदर हम एक्सटर्नली फायर बॉयलर का यूज करते हैं, फायर ट्यूब के अंदर हम इंटरनली फायर बॉयलर का यूज करते हैं। उसके बाद जो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं वाटर ट्यूब के अंदर ज्यादा होते हैं, फायर ट्यूब के अंदर जो चांस होते हैं ब्लास्टिंग होने के वो चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद अगर वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी ऑपरेट करने के लिए, इसके लिए हम सेमी स्किल्ड वर्कर का भी यूज कर सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए। इसका हम यूज करते हैं बड़े बड़े लार्ज प्लांट्स के लिए, इसका हम यूज करते हैं स्मॉल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है।